टू माई न्यू अनदर वीडियो। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एंशियंट पेंटिंग जो 800 ईयर्स अगो की पेंटिंग है। लेट मी टेल यू सम मोर अबाउट दिस पेंटिंग, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, दिस पेंटिंग इज अबाउट 800 ईयर्स ओल्ड एंड सैडली अ डाइंग वन टुडे। चिराल इज अ स्मॉल विलेज इन तेलंगाना, हेंस वन कैन ईजिली मेक आउट दैट दिस पेंटिंग स्टाइल फाउंड इट्स रूट हियर। चिराल पेंटिंग इज वेयर arguably brought to India by the Mughals in 16th century. So guys, let's start the painting. Thank you guys for making me so happy that हमारे आज 57 subscribers की family हो चुके हैं YouTube पे. So guys, I am expecting more subscriber for you and there is a one special challenge for you all, that is के 1st January तक अगर हमारे 100 subscribers हो जाते हैं तो एक बहुत ही special video आने वाला है, different content. So guys, आपको ये challenge है कि आपको 1st January से पहले मुझे 100 subscribers की family और चाहिए. And guys, अभी जैसे अपने intro मेरा देखा, जो एक नया intro था मैंने मेरे जो दो भाई हैं ऋत्विज और रौनक, उन लोगों ने बनाया था मेरे लिए. वो लोग बोल रहे थे कि सब्सक्राइबर जो है पक गए आपका पुराना इंट्रो देखकर. सो दे जस्ट मेक अ न्यू वीडियो, सॉरी न्यू इंट्रो एंड सरप्राइज्ड मी. सो थैंक्स टू दे बोथ स्पेशली कि मुझे वो इंट्रो बहुत अच्छा लगा एंड स्पेशली द ट्यून. आई होप कि आपने जो इंट्रो की ट्यून है ज़रूर सुनी होगी एंड कमेंटेड बिलो विच ट्यून वॉज दैट. आई नो मैक्सिममली ऑल ऑफ अस आई थिंक हियर दैट ट्यून. सो आप मुझे ये भी बताना कि इंट्रो कैसा लगा आपको और मैं ज़रूर इस बार कॉमेंट ऑन रखूँगी. आई नो मैं हर बार कॉमेंट ऑफ रखती हूँ और बोलती हूँ कॉमेंट कर दो, बट कुछ एरर्स की वजह से वो कॉमेंट ऑफ हो जाता है, बट इस बार नहीं होगा. सो गाइस, मूव ऑन द वीडियो. बाय. सो गाइस, मैंने थोड़ी सी पेंटिंग कर दी है आउटलाइन के बाद. यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, रेड कलर से मैंने बैकग्राउंड कर दिया है और येलो कलर की जो है मैंने बॉर्डर कर दिया है. मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 कलर्स यूज़ किए अभी फ़िलहाल. मेजरली इस पेंटिंग में सिर्फ 3 कलर यूज़ किए जो है पोस्टर कलर. आई होप कि आप सबके पास अवेलेबल हो, पोस्टर कलर्स ईजीली अवेलेबल होते हैं सबके पास, इसलिए मैंने ये मीडियम यूज़ किया है. एक्लेरिक कर सकते हैं, बट ये जो पेंटिंग है चिराल पेंटिंग, इसमें पोस्टर कलर्स ज़्यादा जमते हैं. सो यहाँ पे मैंने जो पोस्टर ग्रीन है उससे मैंने स्टार्ट किया है. अभी पोस्टर ग्रीन करने पूरे सारे जो ट्रीज़ है वहाँ पे कर देंगे हम. हमें जो है अभी एक शेड बना देना है दो कलर से, एक तो येलो और थोड़ा सा रेड को मिक्स करके हम बनाएंगे गोल्डन येलो. अगर आपके पास ऐसा बड़ा वाला बॉक्स हो पोस्टर कलर का, सो आप डायरेक्टली गोल्डन येलो शेड लेकर जो ये मंदिर टाइप स्ट्रक्चर है उस पर कर सकते हैं. सो आपको ध्यान रखना है था जहाँ पे वाइट पार्ट है वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिप्स मैंने बनाई हैं. सो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और जो पिलर्स हैं मंदिर के वहाँ पे थोड़ा सा पतला है, इसलिए आपको वहाँ पे ध्यान रखना है. अभी लाइट ग्रीन कलर से मैं एक स्टार शेप स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे कि रेफरेंस में मैं बता रही हूँ. यहाँ पर वहाँ पर स्टार शेप स्ट्रक्चर बनाना है हमें. वो कंप्लीट करने के बाद, ये बहुत इजी है स्टार शेप स्ट्रक्चर, आप आराम से कर सकते हैं. जो दो लीव्स बाकी रह गए थे लेफ्ट हैंड साइड पे, वो हमें लाइट ग्रीन कलर से ही करने हैं. अब गाइस, मैंने एकदम पतला ब्रश लिया है 003, उससे हम करेंगे डिटेलिंग येलो कलर से. सो आप देखें और कॉपी करें. अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है सो अभी कर दीजिए. एंड गाइस, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. एंड टिल देन आप देखिए.
डायरेक्टली डिटेलिंग से थोड़ा सा शुरू किया है, जहाँ पे हमें रेड कलर से डिटेलिंग करनी है। सो, यहाँ पे शायद तक आपको थोड़ा ना दिख रहा हो, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्योरली मैं जो है रेफरेंस दे दूँगी, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। सो, इस मंदिर टाइप स्ट्रक्चर के ऊपर जो है टॉप में हम थोड़ा सा कर लेंगे रेड से डिटेलिंग। गाइज, इसमें मुझे याद नहीं रहा कि हम इस पर रेड स्केच पेन से भी डिटेलिंग कर सकते हैं। सो, आप डायरेक्टली रेड स्केच पेन से कर सकते हैं अगर आपको ब्रश से ना फायदा हो। यहाँ पे हमें ग्रीन और रेड दोनों से आउट थोड़ा सा डिटेल कर देना है। सो, गाइस, यहाँ पे मैंने जो वुमन बैठी है वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा येलो कलर किया है, ब्लाउज़ में मैंने पिंक कलर किया है और साड़ी में मैंने लाइट ग्रीन कलर किया है। सो, गाइस, अभी उनके जो बालों में थोड़ी सी ज्वेलरी है वो हम करेंगे। सो, मैंने सिंपली यहाँ पे वाइटनर उठा लिया है, वाइटनर से कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास वाइट पेन हो आप उससे कर सकते हैं, और अगर आपके पास आप ब्रश से कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप उससे कर सकते हैं। एंड गाइस, रेफरेंस को देखकर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी कर दिया है। सो, अभी ज़्यादा नहीं कुछ बचा है, सिर्फ डिटेलिंग करना है। और पीछे एक पार्ट रह गया है जो ब्लू कलर का था, वो आई थिंक कुछ शॉल टाइप है उनका। सो, आपको वहाँ पे ब्लू कलर कर देना है, और रेफरेंस सिर्फ आप रेफरेंस को देखकर करोगे ना, सो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। सो, गाइस, कंटिन्यू करते हूँ, सिर्फ आपको जो है डिटेलिंग पे ध्यान देना है अभी। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द डिटेलिंग हमारी पेंटिंग कुछ ऐसी लगती है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और मैं इस पे और ऐसी पेंटिंग्स बनाऊंगी आगे।